तो नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कल रात को एक खबर आती है, मोहित पांडे नामक एक 32 साल के युवक की कस्टडी में डेथ हो जाती है। पुलिस ने पूरे मामले में शुरुआत में सरासर झूठ बोला। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, पुलिस ने पहले इस मामले में सरासर झूठ बोला। जब परिवार ने बड़ा दबाव डाला, मीडिया ने दबाव डाला, तब जाके कल आज सुबह या सुबह के समय FIR दर्ज होती है, उसमें इंस्पेक्टर को भी नामजद किया जाता है। सबसे पहले ही वहां पहुंची है लखनऊ की युवा नेता पूजा शुक्ला। अपने दर्शकों को बता दूं कि पूजा शुक्ला वो हैं जिन्होंने योगी जी को काला झंडा दिखा दिया था, तो योगी जी के कुछ अधिकारियों को इतना बुरा लग गया था कि उन्होंने पूजा शुक्ला को जेल भिजवा दिया था। पूजा शुक्ला डरी नहीं, जेल में रही, खैर बाहर आई, उसके बाद भी लड़ती रहती हैं। सामान्य घर से उठ के आई हैं पूजा शुक्ला। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ या पूजा जी ब्राह्मण, इसलिए क्योंकि मैंने पूजा को जी को लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष करते देखा है और हर बार हर मौके इस मौके पे पहुंच जाती हैं। आज सबसे पहले पहुंचने वाली पूजा शुक्ला थी मोहित पांडे के घर। क्या देखा पूजा जी आपने, क्या महसूस किया? एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है कि आप कह रही हैं कि जैसे तुम लोगों ने मोहित पांडे को मारा उस तरह से मुझे भी मार डालो। क्या रहा घटनाक्रम, क्यों आप ऐसी पीड़ा में? आप देखिए, पीड़ा की तो बात है कि समाज में जो चीजें चल रही हैं वो अपने आप में बहुत दुखद हैं कि आप 112 को हम लाए थे बेहतर पुलिसिंग के लिए, 112 को लाए थे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और उसी 112 को कोई फोन करके बुला रहा है और उसके बाद उसकी सुरक्षा की जगह उसकी लॉकअप में हत्या हो जा रही है। तो ये तो दिल दहला देने वाली बात है। और हम लोग लगातार कल रात से इस पूरे मामले को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, और ये भी हमने पूरा मौका दिया कि शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग जो ब्राह्मण हैं या जो तमाम लोग कहते हैं कि हम सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं, उन तमाम लोगों को हमने मौका दिया कि वो उस परिवार की मदद करें और उसको न्याय दिलाएं। जब हमने रात से लेकर दिन तक देखा कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती है परिजनों की बात को, सरकार लगातार दमन कर रही है, सरकार अपने वर्दी का खौफ दिखा करके पीड़ित परिवार की न सुनना चाहती और जबरदस्ती क्रिमिनेशन करा देना चाहती है, तो मैं तो अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंची थी। मैं तो चाहती थी कि उस परिवार को न्याय मिले और अभी भी वही चाहती हूँ, और मैं उस परिवार की मांगों के समर्थन में उनके लिए वहां पर पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात ये, पुलिस ने वहां पर, अगर आप वीडियो देखेंगे, मेरे पास तमाम वीडियो फुटेज हैं, मैं लोगों को समझा रही हूँ, और हमारा ये था कि भाई जो मुआवजा मांग रहे हैं उनको मुआवजा मिल जाए, नौकरी जो सरकारी नौकरी की मांग हो रही है वो मिल जाए, और जो न्याय है हो सकता है उस परिवार को मिल सकता है वो मिले। तो वहां पर पुलिस का जो रवैया रहा वो बहुत ही बेहद ही दुखद था, निंदनीय था। आप एक महिला नेता के साथ अभद्रता कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पुलिस ने किया है, वो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अपॉइंट किए गए हैं। और लगातार जिस तरह से पुलिस ने मुझे वहां से डिटेन कराया है और 6 घंटे अपनी कस्टडी में रखा पुलिस ने मुझे, इतनी पुलिस लगा के मुझे अपनी कस्टडी में विभूतिगंज थाने में रखा और किसी से मिलने नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि वो अपने गुनाहों पे पर्दा डालना चाहते हैं। अभी आप देखिए मेरी, जब मुझे रिलीज किया गया उस दौरान जब मुझे अरेस्ट किया गया तो एक घटना हुई कि भाजपा के विधायक आनंद फानंद में पहुंचते हैं और 1 लाख रुपए देते हैं, नहीं मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, मैंने मदद कर दी। 1 लाख रुपए देने से कुछ नहीं होता है, उस परिवार का क्या होगा उस 1 लाख रुपए में? दूसरी बात ये, आप देखिए कि जब मैं रिलीज हुई उसके बाद कमिश्नरेट ने एक जारी करा है दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अमन गौतम की भी और मोहित पांडे की भी, कि मोहित पांडे का कारण ही नहीं पता चल पाया उनको कि कैसे डेथ हुई है, क्या डेथ कॉज है, और अमन गौतम ने उसको हार्ट शॉक बताया। तो ये जो डराने का सिलसिला है, ये जो भय का सिलसिला है, वो अपराधियों में नहीं है, वो आम जनता को थाने में ले जा करके सिर्फ और सिर्फ धन उगाही के लिए डराया और धमकाया जाता है। और पूरी रात ऐसा क्या मामला था जो आपने पूरी रात उन दोनों पक्षों को बैठाया? क्या रीजन था, क्यों इतना डराया था? अभी एक फुटेज मैंने देखी, एक पत्रकार महोदय ने एक फुटेज डाली थी, वो बेचारा कैसे तड़प रहा है और कोई उसको ना CHC ले गए ना कहीं उसका इलाज कराया है, आनंद फानंद में उसको लोहिया ले गए और उसको डेथ घोषित कर दिया गया वहां पे।
नहीं, एक बात और पूछ रही थी कि ये जो एक योगेश शुक्ला पहुंचे, बिल्कुल सही कह रही है, जब आप पहुंच गए इसके बाद शायद भाजपा का एक विधायक, चूंकि वो बक्सी का तालाब के विधायक है, उनको याद आया होगा विधायक का दायित्व। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको विधायक का दायित्व तो याद आया होगा, इसलिए वो पहुंचे होंगे। अब वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो 1 लाख रुपया वो दे रहे हैं, उसके बाद फोटो खिंचा रहे हैं, बड़े अनमने ढंग से मैं देख रहा हूं कि उनकी पत्नी और उनकी माँ को। मुझे ये तरीका बड़ा गलत लगा कि एक तो आपका प्रशासन उस मोहित की जान बचाने में असफल रहा, उसके बाद ये क्या तरीका हो गया है कि आप किसी को मदद, किसी के घर में किसी की मौत हुई है और आप जाके फोटोग्राफी करा रहे हैं पैसा देते हुए, नहीं, और मतलब ये भी किसी। पहली बार जब वो आए तो मैं वहीं मौजूद थी, उन्होंने बोला हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अगर कुछ सहयोग होगी तो ठीक है, नहीं तो। जब उन्होंने देखा कि मेरी अरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, उनको सामाजिक संवेदनशीलता उनके हृदय में है ही नहीं। आप, मैं तो कह रही हूँ कि जो भी व्यक्ति वहां मौजूद होगा उसने देखा होगा कि मोहित पांडे की माँ किस तरह से रो रही थी, बता रही थी कि कितने कम उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई मोहित पांडे की, और अब जवान बेटे को वो अपने सामने खो रही थी, उनकी बीवी तो इतने गहरे सदमे में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उनके बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, और जिस तरह से बॉडी को छीन रही थी पुलिस, मतलब इतना दुखद, इतना मार्मिक, हर व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं पूजा जी, मैं तो घटनास्थल पर नहीं जा पाया था, लेकिन अपने कुछ पत्रकार मित्रों से बात किया था। वो जो आप कह रही उसी तरह की बात उन्होंने भी बताई कि दिन भर बहुत तमाशा चला है और छीना झपटी चली है, वो जल्दी से जल्दी बॉडी क्रीम। एक पुलिस की आजकल एक नई व्यवस्था हो गई है कि इस तरह का कांड हो जाए तो, अगर मीडिया में बवाल हो जाए तो पोस्टमार्टम करा दो, दो चार लोगों को रूटीन में सस्पेंड कर दो, एक सस्पेंड कर दिया जाता, गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। मैं देख रहा हूं जैसे जी भाई जी आप, अगर हम आपके हमारे आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो हमारी आपकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तुरंत दबिश दे देगी, और जब जी हत्या जैसे मामले में मुकदमा दर्ज हो रहा है तो अब तक किसकी गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि उसमें एक आदेश नाम के, आदर्श नाम के युवक का भी नाम आ रहा है, और आदर्श के कोई चाचा जी हैं, वो शायद भाजपा के नेता हैं, उनके बारे में कोई बता नहीं रहा है। कुछ लोग मीडिया लोग जिक्र कर रहे हैं उनके चाचा जी बहुत हाईली कनेक्टेड हैं पुलिस में, और बताया जा रहा है कि सिर्फ 600 रुपए का विवाद था। जी जी तो इस बारे में कुछ आपके उनके परिवार वालों से बात हुई? कुछ बता रहे थे वो देखिए, लोग? जब मैं वहां पहुंची तो ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बात करी उनसे, तो उन्होंने भी यही बोला जो आप बात बोल रहे हैं कि 600 रुपए का विवाद था, दोनों ही पक्षों ने डायल 112 को कॉल किया, बुलाया और थाने पे पुलिस लेगी। देखिए, वहां पर थाने पे जाने के बाद ना पुलिस अपने मामले में लग जाती है कि कैसे मैनेजमेंट कराना है, कैसे दोनों पक्षों से पैसा ले लें। हम लोग तो तमाम मामलों में ऐसे देखते हैं कि दोनों पक्षों से पुलिस पैसा लेती है समझौता कराने का, मतलब एक पक्ष से पहले मुकदमा लिखाती है, फिर दूसरे पक्ष से समझौता कराती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं बता रही हूँ पूरी जिम्मेदारी से, सबके थाने सेट हैं, सबके पैसे जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हर अधिकारी पे त्योहार का समय है, पैसे भेजने का सिस्टम है, और आप देखिए जगह जगह पर ठेले वालों से लेकर के ऐसा कोई है नहीं जिसको मारा ना गया हो, प्रताड़ित ना किया गया हो चंद पैसों के लिए। हम तो तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं, अभी तो कुछ दिन पहले ही घटना पता चली, एक सब्जी वाली ने मुझे बताया कि वो जो है उससे पैसा मांग रही है पुलिस। तो इस तरीके से जब छोटे छोटे लोगों से लोग पैसा मांगते हैं, तो जब इनको पकड़ के ले गए तो उन्हें लगा कि ये पैसे देंगे, जब वो पैसे देने में नहीं सक्षम दिखे तो पुलिस का जो अब आप सोचिए, एक मान सम्मान वाला व्यक्ति अगर रात अगर वो थाने पे बैठा लिया जाता है, तो उसी में उसका सम्मान और उसका हृदय एकदम काम करना बंद कर देता है, उसका उसको लगता है कि हमारे साथ क्या हो गया। अब आम परिवार के आदमी को, दोनों भाइयों को उठा करके आप लॉकअप में डाल दे रहे हो, क्या मान सम्मान प्रतिष्ठा रखी है आपने उस परिवार की? आखिर ये कोई तो रीजन होगा ना, कोई रीजन तो दे पुलिस की क्यों आपने लॉकअप में रखा उनको, ऐसा क्या था कि आपने रात को रात भर उनको लॉकअप में रखना पड़ा? सिर्फ धन उगाही का मामला था कि सुबह परिवार आएगा, पैसे ले लेंगे, छोड़ देंगे। तीन ये मोहित के कितने बच्चे हैं माँ पूजा जी, जरा तीन दर्शकों बच्चे हैं? हैं, तीन बच्चे तीन हैं, तीन बच्चे, तो मतलब तीन बच्चे हैं, बच्चे। और उनकी बीवी की उम्र भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 28-30 साल है। मोहित की भी उम्र 30-32 साल थी, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, और जिस माँ ने अपने जवान बेटे को खोया उसका दर्द कौन बांटेगा? ये जिस तरह से ये जाके 1 लाख रुपए दे करके ये फोटो डाल रहे हैं,
ये बताएं कि ये उचित मुआवजा परिवार को क्यों नहीं दिला रहे, ये सरकारी नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे उस परिवार के। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन की गलती है, लापरवाही है, तब मौत हुई है। शायद उसे सही समय पे वो अस्पताल ले जाते तो ऐसी घटना ना होती। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ना कोई भाजपा का कोई बड़ा मंत्री पहुंचा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी लखनऊ के ही विधायक हैं, वो भी नहीं पहुंचे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी नहीं पहुंचे, ना मेयर पहुंची, कोई पहुंचा ही नहीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मामले में ट्वीट किया और 1 करोड़ रुपए का बोला है कि 1 करोड़ की मदद होनी चाहिए, उन्होंने भी ट्वीट किया, तो ये क्या लग रहा है कि क्या आपकी नजर में बेसिक कारण क्या, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, लॉकअप में हत्या का तंत्र चल रहा है और ये कोई आज पहली घटना नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। विवेक तिवारी का यही लखनऊ में सड़क पर गोली मार दी थी, ये सबको मालूम है। दो प्रमिला जी का एक मामला आया था, आपको याद होगा, जो कानपुर में माँ बेटी को जला दिया गया था, उसमें क्या न्याय मिला आप मुझे बताइए। जगह जगह लोगों को मारा जा रहा, मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया, तमाम ऐसे फर्जी इनकाउंटर करे जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसको मन कर रहा है मार दे रहे हैं, खुले आम लूट चल रही है। और आज की समय में मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इतना उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति नहीं देखी है। आज की डेट में किसी को नहीं पता है कि पुलिस कब किस मामले में आपको उठा के ले जाएगी और आपकी हत्या कर देगी, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कि हत्या का कारण नहीं पता। पूजा जी, इस पूरे मामले पर आप जाती हैं और जो सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने बाल पकड़े, घसीटा, खींच के ले गई, वो सब बाकिया क्या था? दर्शक जानेंगे तभी तो उन्हें पता लगेगा कि पुलिस ने एक महिला के साथ कितना अत्याचार किया। क्या पुलिस आपके बाल पकड़ के नहीं जमीन पर घसीटती? क्या महिला पुलिस नहीं थी वहां, तो क्या पुलिस के जो युवक थे वो क्यों आपके पीछे घसीटने पहुंचे? देखिए, मैं आपको आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ, मेरे पास वीडियोस में मिल जाएंगे। जब मैं वहां पे पहुंची तो मैं पुलिस से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, ना मैं पुलिस से बात करने गई थी। जब मैंने देखा कि जब महिलाएं जहां पर बैठी हैं वहां पर पुरुष कर्मी बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहे हैं बॉडी को छीनने के लिए, तो मैंने जाकर जरूर ये बात कही कि आप पुरुष हैं और आप महिलाओं से एक दूरी बना के रखिए। आपकी महिला पुलिसकर्मी अगर यहाँ रहना चाहती है तो वो रह सकती है, लेकिन ये महिलाएं हैं, आम साधारण परिवार की महिलाएं, आप पुलिस यहाँ कुछ ना करे और आप इनसे दूरी बना के रखिए। बस इतनी सी बात बोली। उसके बाद लगातार ACP, ADCP और इनके लोग, इनके पुलिस के जो SHO हैं, ऐसे में धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे, तो मैंने बोला आप जेल भेजो, जहां भेजना है भेजो। अन्याय हुआ है उसके खिलाफ बोलेंगे, लड़ेंगे, परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने आए हैं और लड़ेंगे। और उसके बाद जब मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया, वो लगातार ही प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से मुझे हटाएं वहां से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। कानून वो पुलिस का काम ये था वहां पर कि पुलिस उस परिवार की अगर गलती हुई है तो स्वीकार करिए और उस परिवार की जो संभव मदद हो सकती है वो कराइए, ना कि आनंद फानंद में वर्दी का कि दादागिरी दिखा करके और आप किसी को भी उल्टा सीधा वहां पर बोल। जब मुझे लोगों ने खींचा तो आप देखिए तमाम महिलाओं ने मुझे बचाने का प्रयास किया वहां पर, उसके बाद भी पुलिस ने जो बदतमीजी करी है। और ये नया पैटर्न है कि कोई भी महिला मैंने देखा है कि प्रोटेस्ट में जाती है उसका कपड़ा खींचने लग जाइए, उसका बाल खींचने लग जाइए, ठीक है, इसलिए कि वो सब जानते हैं कि किसी महिला का हम कपड़ा पकड़ के खींचेंगे तो अपने इज्जत सम्मान के लिए वो उठ जाएगी। तो ये तरीका नहीं हो सकता। ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये लूट तंत्र है, हत्या तंत्र है, और इसके खिलाफ हमारी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी जब तक इसको हम खत्म नहीं कर देते। ये तो जिन लोगों ने आपके साथ बदसुलूकी की वो पुलिसकर्मी थे या महिला पुलिसकर्मी थी? उस देखिए महिला पुरुष कंबाइंड थे, सब मिक्स थे, और जिस तरह के शब्द है पुलिस जो पुरुष है उन्होंने पुलिसकर्मियों ने बोली है, मतलब नेतागिरी करने आई है। हम सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति हैं, अगर हम किसी का दुख बांटने आ रहे हैं तो नेतागिरी करने आ रहे हैं, और वो जो वर्दी की धौंस दिखा करके डरा रहे हैं वो दादागिरी नहीं है। लॉकअप पे हत्या हो जाती है उस पर सवाल मत करिए, कैसे प्रशासन ने जाकर के झोपड़ी में दो लोगों को आग लगा के मार दिया उस पर सवाल मत करिए, मौन हो जाइए। उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल लग चुका है और इस अघोषित आपातकाल ने न जाने कितने लोगों की जाने ली है। ये तो 2-4 मुद्दे आपको दिख रहे हैं, तमाम ऐसे थाने होंगे, गांव के ऐसे तमाम थाने होंगे जहां पर मामले होते होंगे और खत्म हो जाते होंगे, हम लोग तक आ भी नहीं पा रहे हैं। ये तो 2-4 मुद्दे हमें दिख रहे हैं लखनऊ में तो 15। पूजा जी,
लखनऊ में ये 15 दिन के अंदर दूसरी घटना है, और बीते दिनों एक और मुस्लिम युवक की एक लखनऊ के ही थाने में हत्या ऐसे ही हो चुकी है। और अगर हम बात करेंगे 2024 में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा बैठेगा, आप गिन नहीं पाएंगे। पुलिस की हिरासत में मौत या एनकाउंटर के जरिए मौत, एनकाउंटर में परिजन बोलते हैं, बताते हैं कि घर से उठा के ले गए, उसके बाद एक रटी रटाई स्टोरी, पुलिस को देख के भागे, हमने गोली मारी, एक आदमी मौके पर मारा गया, एक थैला लेके भाग गया, इसके अलावा एक बाइक टूटी हुई वहां पड़ी मिलती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। इन सब बातों के बावजूद भी जो आज का दृश्य था वो अलग था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ब्राह्मण मरने वाला ब्राह्मण, यहां बैठे सब पत्रकार और आप ब्राह्मण, इससे बात नहीं है। मेरी बात यह है कि जिसने अपना बेटा खोया है, जिसका सुहाग उजड़ा है, उस पर कितना वज्रपात हुआ होगा, उसके पास से उसका जीवित पति आया था, माँ का जीवित बेटा थाने आया था, इसलिए नहीं आया था कि 600 रुपया की एवज में उस बेटे की जान चली जाएगी। वो सीसीटीवी फुटेज ये साबित करता है कि उस पर इतनी मार पड़ी है कि वो तड़प रहा है, और वो अपने एक सहयोगी जो थाने में उसी हवालात में बंद है उससे कुछ गिड़गिड़ा रहा है, कुछ गुहार लगा रहा है, तो वो उसकी पीठ दाबने का, पीठ को सहलाने का काम करता नजर आ रहा है। वो दृश्य देखकर अंतर्मन, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति हो, आत्मा हिल जाती है। किसी पत्नी ने जिसे चंद दिन हुए हैं शादी हुए, उसने अपना पति खोया है, माँ का बिलखना देखकर पुलिस का वो तांडव करना, लाश को छीनना, कम से कम उसे दो बूंद अपने आंसू तो बहा लेने देते थे, कृत्य तो तुमने किया है। उस माँ का क्या दोष था, उस पत्नी का क्या दोष था जो लाश के आगे तड़प रही थी, पूजा शुक्ला का क्या दोष था, क्यों गई थी पूजा शुक्ला? अगर वो मौत नहीं होती तो पूजा शुक्ला नहीं जाती, चाहे बाल पकड़ के घसीट के फेंक दो, चाहे धक्का मार के खींच दो, चाहे जो अपशब्द तुम्हारे मुंह में हो सकते हैं गंदे से गंदे वो प्रयोग कर लो, क्या वो मोहित पांडे जीवित होगा? मैं कह रहा हूं कि मैं 60,000 रुपया देता हूं उसे, मोहित पांडे को जिंदा कर दो। मैं समाज से 6,00,000 रुपया चंदा करके देता हूं, मोहित पांडे को जिंदा कर दो। है कोई ऐसा आदमी? जब अपना मरता है, जब अपना मरता है तब कष्ट होता है, दूसरे के मरने पर तो खुशी मनाइए, चाहे उत्साह मनाइए, कोई पूछने वाला नहीं होता। वहां जब आप गई तो क्या देखा आपने, परिजन क्या आरोप क्या लगा रही थी? देखिए, जो परिजन थे वो एकदम, उनका जो, उनको इतना बड़ा धक्का लगा है कि वो एक भाई ने अपने हाथों में अपने भाई, छोटे भाई की जान जाते हुए देखी है, एक माँ ने जो बहुत कम उम्र में जिनके पति चले गए, जिनके पास दो बच्चे थे, उनके उन्होंने दो बेटे उन्होंने अपने कैसे कैसे पाले, जब उनका परिवार, उनकी गृहस्थी अच्छी बसी और उसके बाद एक हंसता खेलता परिवार जो है उजाड़ दिया, और सिर्फ पुलिस के अपने कुकृत्यों की वजह से आज उस परिवार को इतने दुख का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी बेशर्मी देखिए, लाश को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लाश को भी खींच रहे हैं, लाश से भी अभद्रता कर रहे हैं। इस देश के अंदर इतनी विभत्स घटनाएं जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही है कहीं नहीं हो रही होंगी। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतों का सामना वो परिवार कर रहा है, हम और आप यहाँ से बैठ के बयां भी नहीं कर सकते। आलोक सर, पूजा जी ने बहुत कुछ बयां किया है। नहीं, मैं अभी कुछ पता चल रहा है कि जो बड़ी बात है कि मौत जिस थाने में हुई उस थाने के प्रभारी अब अश्विनी चतुर्वेदी के बारे में कुछ लिखा रहा है कि इनके इसके पहले भी हत्या के मामले में इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, और कोर्ट में भी मतलब इनको हैबिचुअल ऑफेंडर माना गया है, सुविधा शुल्क लेके हत्या के मामले में धारा बदलने का आरोप है इनके ऊपर, और कई चीजें हैं। जो लोग जिसका कंडक्ट, जो आदमी दागी साबित होता है या जिसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, उसको ऐसे महत्वपूर्ण थाने में तैनाती क्यों दी जा रही, पहली बात। और एक एसओ को आपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, इसके ऊपर का जो पूरे अधिकारी है, एक एसीपी होगा, फिर डीसीपी होगा, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।
पूजा जी आपको याद होगा 10 तारीख को विकास नगर थाने में घटना हुई थी, वहां भी आप गई थी, जो अमन गौतम वाला कांड, अमन गौतम जी पार्टी ने उसमें सहयोग भी करा उस परिवार को जो कर सकती है। तो वहां वो आपने वो देखे दृश्य देखा और हमें जो सूचना मिली FIR तो जरूर लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी भी कोई भी पुलिसकर्मी उस केस में गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, फरार है वो पुलिसकर्मी, उसके बारे में बताया जा रहा। हम तो ये कह रहे हैं लॉकअप क्यों, अंदर कैमरे लगे होते हैं, कहा जाता है इसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से हो रही है, कमिश्नरेट से हो रही, क्या देखते हैं ये लोग उसमें इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। ये किस तरह की विजिलेंस चल रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, राजधानी में, जब इस तरह से हत्याएं होंगी तो अन्य जिलों में क्या होगा ये हम और आप कह भी नहीं सकते। तो आज आपको लग रहा है कि परिवार की बात को सरकार सुनेगी कि फिर आप लोग कल फिर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? आज तो हमारी दिन भर आपको थाने में बैठा दिया गया। मैंने तो सरोजनी नगर में ऋतिक पांडे की भी हत्या देखी थी, जिन लोगों ने उसकी हत्या करी थी और उसके बाद सरेंडर करने वाले आरोपी हाथ में बिस्लेरी का बोतल लेके और एक हाथ जेब में अपना डाल के फोटो शूट कराते हुए अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, और उस परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या मिला उस परिवार को? ना न्याय मिला है उस परिवार को और ना कोई मदद। नहीं, आरोपी तो कुछ खास लोग थे ना उस वाले केस में भी, आरोपी कुछ खास लोग थे, और इस केस में भी आदर्श सिंह नाम है जिनसे विवाद हुआ था। आदर्श सिंह जब मैं कहता हूं तो हमारे दर्शक समझ जाते हैं। और इनके चाचा कौन है भाई, जो नेताजी बताए जा रहे हैं, कुछ पता चला पूजा जी? ये इतने साल नहीं पता चल पा रहा, ये कौन है ये नहीं पता चल पाया। मैंने सुबह, मैं कल तक पता कर लूंगी कौन लोग हैं इसमें। इतने प्रभावशाली, कुछ लोग कह रहे हैं गोंडा से इनका कुछ रिलेशन है, हो सकता है। तो ये अदृश्य शक्तियां गोंडा की कौन है जो कि पुलिस पे पूरा उनका नियंत्रण है, ये सब भी जांच का विषय है, क्योंकि आप लोग इन मुद्दों को उठा सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि कल भी आप लोग इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल 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 जी, क्योंकि अभी विवेक तिवारी, आलोक सर एक सवाल आपसे भी है। पूजा जी लखनऊ की रहने वाली थी, लखनऊ में विवाद हुआ, पहुंच गई मौके पर, लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बड़े तांडव मचाते हैं, तुरंत वीडियो वायरल कर देते हैं, तुरंत सवाल करते हैं, अगर किसी मुसलमान धर्म का कोई व्यक्ति हो तो पूरी लिस्ट निकाल लाते हैं। आज बड़ा खामोशी है, ये लगता है जैसे बर्फ पड़ गई है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई खामोशी है। डिप्टी सीएम भी तो, ब्रजेश पाठक जी भी तो वहीं के हैं, कल ब्राह्मण समाज की दुहाई देकर ब्राह्मण समाज में वोट मांगने जाएंगे तो फिर लोग भूल जाएंगे। नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे टेररिस्ट बताया जाता है और दोपहर होते होते पूरी घटना बदल जाती है। आज फिर मोहित पांडे 600 रुपया की वजह से मारा जाता है। मैं तो यही कहूंगा 600 रुपया थे, एक ब्राह्मण की जान की कीमत है इस सरकार में 600 रुपया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिसिया सबूत कह रहे हैं। देखिए श्री कुमार जी, आप जिनकी बात कर रहे हैं उसमें एक तो राकेश त्रिपाठी हर बात पे मीडिया में बयान देने चले आते हैं, अखिलेश यादव जी को ज्ञान देने लगते हैं, और एक है मनीष शुक्ला, और भी कई प्रवक्ता हैं, और एक देवरिया के विधायक, देवरिया के विधायक सलम मनी त्रिपाठी जी हैं, ये तीनों। और मुझे कई मीडिया वालों ने बोला कि इनसे लोगों ने पूछा कि भाई साहब इस पर कुछ बयान दे दीजिए, तो हमारे कई मीडिया वाले मित्रों ने बोला कि भाई साहब इस मुद्दे पे मुझसे मेरा मुंह, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और उस मामले में पूजा शुक्ला पहुंच जाती हैं, तो मुझे लगता है इनको ये पहुंचे हैं और इनको, इनके लिए पूरा मैनेजमेंट किया होगा भाजपा की तरफ से कि ये ज्यादा देर वहां रहने न पाए, इनको टांगो उठाओ ले जाओ। तो कल ऐसा तो नहीं पूजा जी, कल सुबह आपको घर पर नजरबंद कर दिया जाएगा? कुछ भी कर ले, समाजवादियों को नहीं रोक पाएंगे। पूजा जी एक मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, आप उन माँ से मिली होंगी जिनने बेटा खोया है, आप उस पत्नी से भी मिली होंगी जिसने पति खोया है, कैसे संभल रहे होंगे उनके आंसू, कैसे रोक पाए, कैसे आवाज रुक रही होगी, क्योंकि आप महिलाएं तो बेहतर समझ रही होंगी कैसे दर्द से जो अंतर मन का दर्द था वो क्या था। बहुत तकलीफ है, वो माँ को तो बेहोश हो जा रही है वो बार बार, मतलब होश ही नहीं आ रहा है,
उनकी पत्नी बिल्कुल बोल नहीं पा रही है, बहुत गहरा सदमा लगा उस परिवार को, उस परिवार को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। मोहित मैं नहीं पांडे कह की सकती शादी को बिल्कुल। किस दिन हो, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप भी भावुक हुई जा रही हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा भी, कि आप जब दिन भर साथ रही हैं तो आपने वो पल कैसे। मोहित पांडे की शादी को कितने दिन हो चुके हैं अब तक? मुझे लगता है 5-6 साल हुए होंगे, क्योंकि 3 2 बच्चे दिख रहे थे, तो अभी मैंने बहुत ज्यादा तो मतलब सात बहुत साल छोटे हुआ है बच्चे शादी होंगे। हुए, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे वाह बच्चे हैं। रे भाई बेटी साहब, वाह, बेचारी ओह बेटी भी है। बेटी है एक, और बहुत मतलब बड़ा नहीं कह सकती, बहुत भावुक है। नहीं, सरकार को तो देख रहा हूं पूजा जी, राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, पुलिस की, वो भी पुलिस की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, राम गोपाल मिश्रा की बहराइच जान गई, पुलिस की लापरवाही से गई। उसके परिजन को नेताजी लेके, विधायक जी लेके चले जाते, मुख्यमंत्री जी बन लेते हैं। अमन गौतम के घर कोई नहीं जाता है, ना भाजपा का विधायक जाता है। आप गई थी, आपकी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया था, सांसद चंद्रशेखर गए थे, रावण सब सांसद लोग गए थे। जी, गए थे, तमाम लोग गए थे। लेकिन ये मोहित पांडे के साथ मतलब कोई खड़ा होगा कि योगेश शुक्ला ने आज फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, मुझे लगता है भाजपा, क्योंकि आप कह रही हैं कि पहले उन्होंने कहा कि वो कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई आश्वासन नहीं दे पाएंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उन्हें लगा, अरे ये क्या हो गया, तो इनको लगा होगा कि अरे ये आ गई यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, खाना पूर्ति कर दी उन्होंने। लेकिन उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनको 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उस महिला को, उस माँ को कम से कम सोशल सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। ठीक, उम्मीद है पूजा जी आपने समय दिया इस वक्त, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।